बहुत दुखद हादसा है, इस हादसे की जांच भी होनी चाहिए और इसमें जिस तरीके की लापरवाहियां शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से हुई हैं, एफआईआर में अज्ञात लोगों का नाम लिखा जा रहा है जबकि एफआईआर स्पष्ट रूप से उस बाबा के खिलाफ और उनके आयोजकों का नाम नंबर सब तमाम पोस्टरों में है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा होना चाहिए। अगर प्रशासन से अनुमति ली गई थी तो फिर प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसने प्रशासन ने उचित व्यवस्था नहीं की। देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से ये बाबाओं का बाजार अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहा है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी। लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं ये लोग। अब लोग तो कई बार अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाते हैं। इनकी खुद की असलियत आप देखिए, हत्या, लूट, बलात्कार, तमाम घिनौने कार्यों में लिप्त रहते हैं ये लोग। सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी।